ऐसा थालपोस बनाने के लिए हम बताएंगे किस तरह से ये थालपोस बनेगा। थालपोस का डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले आप इस तरह से चैन ले लें। हमने थोड़ा सा चैन लिए हुए हैं, देखिए इतना चैन ले लें, इतना चैन ले लें कि आप पांच पत्ती बन सके। चैन में डाल के इस तरह से आप बांध लें। अब जो है इसमें आप पत्ते बनाना स्टार्ट करें। इस तरह से आप पहले हाफ क्रोशिया लेके बांधें, इस तरह से देखिए बना गया। इसके बाद में आप फिर लंबा लंबा लॉन्ग लंबा लंबा जो है क्रोशिया ले, इस तरह से जितनी चौड़ाई के अनुसार आप क्रोशिया ले लें। पांच छह क्रोशिया इस तरह से ले लें कि चौला पत्ती बन सके। ये देखिए इस तरह से, देखिए हमने छः से सात बार लिए हैं क्रोशिया। अब जो है आप इसको फिर आप हाफ क्रोशिया से इस तरह बांधें ताकि जो है आपका पत्ती इस तरह से गोल दिखे। ये देखिए फिर दूसरा पत्ती बनाने के लिए फिर आप पहले हाफ क्रोशिया लें इस तरह से, उसके बाद में आप फिर फुल क्रोशिया ले, फिर चार या पांच क्रोशिया लीजिए एक ही जगह में। जितना लंबा क्रोशिया लेंगे आप उतने लंबा आपका जो है पत्ती बनता जाएगा। इस तरह से आप देखिए हमने एक पत्ती बनाया है, इस तरह से आप पांच पत्ती बना लें। देखिए हमने फूल का जो है पत्ती पांच पत्ती बना लिए हैं। हर एक पत्ती में हमने आठ आठ क्रोशिया बनाए हुए हैं। उसके बाद में हाफ क्रोशिया से हमने बांधे हैं, फिर हाफ क्रोशिया बांध के फिर हमने दूसरा पत्ती उठाया है। अब देखिए अब दूसरा लाइन किस तरह से बनानी है। तो देखिए पहले आप चैन ले लें इस तरह से। देखिए हमने चैन चार चैन लिए हैं। उसके बाद पत्ती के जो पीछे है पीछे इस तरह से इसको इस तरह से पकड़ के इस तरह से आप बांध लें। देखिए हाफ लॉन्ग देखिए बांध लें। उसके बाद फिर आप चैन लें, इतना चैन लें कि आप एक पत्ती बना सकें। देखिए ये चैन लीजिएगा इस जगह में, जैसे ये पत्ती है दोनों पत्ती के गैप में ये चैन आना चाहिए। देखिए इस तरह से ताकि पत्ती के बीच में आपका एक पत्ती और बने। दूसरा पत्ती को पकड़ के फिर आप इस तरह से पीछे से बांध लें। फिर आप चैन ले, देखिए आपको इस तरह से जो है चैन बनता चला जाएगा। फिर आप दूसरे पत्ती को पकड़ के इस तरह से बांध ले। इसी तरह से बना ले, फिर चैन ले ले। ये देखिए हमने दूसरा पत्ती बनाने के लिए इस तरह से पत्ती के बीच बीच में इस तरह से देखिए मैंने चैन बना लिया पांच जगह। अब इस चैन में आपको पत्ती बनानी है, इस तरह से सीधा कर लें। ये देखिए ये जो हमने चैन बनाया है इसमें पत्ती बनानी है। पहले आप इस तरह से बांध लें, उसके बाद में फुल क्रोशिया लें, लंबा लंबा क्रोशिया लें ताकि पत्ती जो है आपका थोड़ा बड़ा बड़ा बने। हमने आप आठ क्रोशिया लेनी है। हमने आठ क्रोशिया ले लिया। अब आप इस तरह से फिर हाफ क्रोशिया लेके इस तरह से आप देखिए बांध लें तो आपका देखिए पत्ता जो है तैयार हो गया। अब फिर आप जो है तो दूसरा चैन है, दूसरा चैन में इस तरह से फिर बना लें। देखिए इस तरह से चैन जो है इसको पकड़ के इस तरह से फिर आप इस तरह से बांध लें। अब फिर क्रोशिया लीजिए आठ क्रोशिया फिर इस चैन में ले लें।
इस तरह से आप जो है सब चैन में बना लें। ये देखिए आपका इस तरह से फूल बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए नीचे पत्ती है, उसके बाद में ऊपर पत्ती, आपका इस तरह से फूल बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए आपका इस तरह से फूल बन के तैयार हो जाएगा। इस तरह का फूल आप 7 ठो बना लें, 7 गो इस तरह का टिकिया फूल बना लें। उसके बाद में आप इन दोनों को इस तरह से जोड़ना है, किस तरह से जोड़िएगा वो हम बताएंगे आपको। उल्टा भाव से आपको जोड़ना है, ये सीधा है तो हमको उल्टा कर लेना है इस तरह से। देखिए साइड में जो है इस तरह से कुर्सिया में डाल के उनको निकाल के आप बांध लें। एक कुर्सी इस तरह से निकाल लें। देखिए फिर आप ये दूसरे फूल को लेके इस तरह से देखिए इस तरह से जोड़ते जा। फिर आप इधर एक कुर्सिया ले, देखिए इस तरह से एक कुर्सिया इधर से ले, एक कुर्सिया इधर से लेके आप फूल को बांधे जोड़ते जाओ। सारे फूल को इसी तरह से आप बैठा के जोड़ लें। दोनों फूल को पकड़ के जोड़ दिया है इस तरह से, आप जोड़ दे हर एक फूल को बैठा के जोड़ दे। बीच में एक ठो रख के किनारे किनारे से इस तरह से जोड़ लीजिए और इसको भी इस तरह से लगा के इस तरह से जोड़ लें। हमने जोड़ लिए हैं इस तरह से, उसके बाद में किनारे किनारे इस तरह से हम बना लिए हैं। अब जिस भी ढंग से चाहे आप अपना अच्छा बना लें। थाल परोस बन के आपका जो है तैयार हो गया। ये देखिए हमने बीच में गेंदा फूल बना के डाल दिए हैं ताकि फूल अच्छा लगे दिखने में।